हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ ब्लॉग चैनल। तो ये देखिए, आज हम पनीर का सब्जी बना रहे हैं। तो इसमें मिर्च डाले हुए हैं, प्याज है और आदि है, ये दालचीनी है और तेज़पत्ता है बस। तो अब हम प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं होगा तब तक हम लोग मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो अब हम तो ये देखिए, जो हमारा प्याज है वो ब्राउन कलर का हो चुका है, तब हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच आपको ऐड करना है लहसुन और आदि का पेस्ट। तो मेरे घर में तो ज़्यादा पनीर है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे, ऐड करेंगे। और ये रहा हमारा पनीर, जो है वो कट चुका है। तो अब हम इसमें जो मसाला वो ऐड करेंगे। तो पहले डालेंगे हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी, मिक्स मसाला, जीरा गोलकी का पाउडर, कश्मीरी मिर्च, बस। ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास ये भी नहीं है, इसमें नमक आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेंधा नमक खाते हैं, जिसके कारण थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा यूज होता है। तो बस हो गया, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें हम टमाटर ऐड कर चुके हैं। अब इसमें टमाटर को छोड़ दे रहे हैं 5 मिनट, ताकि ये गल जाए। ये देखिए, तब हम मसाला में शिमला ऐड किए हैं, जो फ्राई किए हैं, क्योंकि शिमला पहले करने से ज़्यादा गल जाता है, पता भी नहीं चलता इस चीज़ के कारण। तो ये देखिए, पता नहीं कैमरा में आपको उतना फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, पर ये देखिए कितना मस्त दिख रहा। अभी हम इसको 5 मिनट और। ये देखिए, हमारा जो मसाला वो फ्राई हो चुका है, तब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर ऐड हो चुका है हमारा, बस अब इसको ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे पानी। तो ये देखिए, हमारा जो पनीर है वो बन चुका है। अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट लगता है। तो हमारा जो पनीर है वो खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, तो आप भी ट्राई कीजिए।